हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप सब इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन तथाकथित समाज की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है? एच मार्क्यूज, हैबरमास, एम हॉर्कहाइमर, जे एलेक्जेंडर। राइट आंसर बताइए। कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, जे एलेक्जेंडर। ये फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति संस्कृत इससे जुड़ी हुई है। भूमि, प्रकृति और धर्म विधि, लोक परंपरा, उनकी अर्थव्यवस्था और प्रथाएं, केवल धर्म। राइट आंसर बताइए। जनजाति संस्कृत इससे जुड़ी हुई है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, भूमि, प्रकृति और धर्म विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक वानगी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1972, 1976, 1978, 1979। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक वानगी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर द लाइफ पुस्तक किसकी है? शशि थरूर, अभिषेक उपाध्याय, विष्णु शर्मा, अभय कुमार। अंबेडकर द लाइफ पुस्तक ये किसकी है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है शशि थरूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पुस्तक किसकी है? आंद्रे वित्ते, जीएस घुरिए, मर्टन ओवन लिंच। द फ्यूचर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है आंद्रे वित्ते की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पहचान क्या होती है? प्रदत्त, अर्जित, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक पहचान क्या होती है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, प्रदत्त और अर्जित दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कराची, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1 राइट आंसर है कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 967, 933, 947, 955। राइट आंसर क्या होगा? 2001 की जनगणना के अनुसार इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, 933। और 2011 की जनगणना के अनुसार 947 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? विभिन्न धर्म का साचर, अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा, धर्म का अपना कोई धर्म न होना, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, इनमें से सभी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, राज्य का अपना कोई धर्म न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण का लक्षण है व्यापार में विकास, एक
शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहरी प्रवसन उपर्युक्त सभी। शहरीकरण का लक्षण है, राइट आंसर क्या होगा? शहरीकरण का लक्षण ये तीनों ही हैं, ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है? गुमनामता, भीड़, प्रदूषण उपरोक्त सभी। नगरीकरण किसको बढ़ावा देता है? तो इसमें ऑप्शन फोर राइट आंसर है, उपरोक्त सभी को, गुमनामता, भीड़, प्रदूषण सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त है? नैसर्गिक प्रतिबंध, निरोधक प्रतिबंध, दोनों कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा? मॉल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? तो ऐसे माल्थस ने जो है सबसे दोनों दोनों प्रकार बताए थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा मानवीय जनसंख्या नियंत्रण के लिए मानवीय मानव जो खुद नियंत्रित करता है उसको ज़्यादा उन्होंने उपयोगी माना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सेकंड होगा, निरोधक प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों का शामिल किया गया था? तत्कालीन उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, दीर्घकालिक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001 के अंतर्गत किन बातों को शामिल किया गया? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य 2001 की जनगणना के अनुसार, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य? सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य 2001 की जनगणना के अनुसार, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई? 1930, 1931, 1932, 1933। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा कब की गई थी? 1930, 1931, 1932, 1933। इसमें राइट आंसर है 1931, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? माल्थस, सैडलर, कैनन, डाल्टन। नैसर्गिक प्रतिबंध ये किसकी अवधारणा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, थॉमस माल्थस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानिक विकल्पों का वर्णन किया गया? 3, 4, 5, 6। पार्सन्स के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्प बताए गए हैं? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है सामान्य निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक एकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, उपर्युक्त सभी। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है सामाजिक गतिशीलता, बड़ा आकार, स्त्रियों की उच्च स्थिति, कृषि पर आधारित जीवन। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, कृषि पर आधारित जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनाधिक का मूल कारण क्या है? पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इनमें से कोई नहीं। भारत में जनाधिक का मूल कारण क्या है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोग मुख्य रूप से आश्रित है नौकरी पर, कृषि पर, व्यवसाय पर, उद्योग पर। भारत में लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? 1839, 1858, 1862, 1885। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? कोहेन, दुर्खिम, मर्टन, हार्वर्ड बेकर। विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक किसने माना है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया कहलाता है? नव माल्थसवाद, माल्थसवाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद। राइट आंसर बताइए क्या होगा। वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया, ऑप्शन 1 राइट आंसर है, नौ माल्थसवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या स्थिति होती है? जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में गिरावट आती है, जनसंख्या स्थिर रहती है, जनसंख्या में गतिशीलता आती है। मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, जन्म दर में गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब माना जाता है? 1905 से 1918, 1985 से 1905, 1885 से 1905 और 1919 से 1947, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर होगा 1885।
उग्र राष्ट्रवादियों का काल। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है 1905 से 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है, यह विचार किसने व्यक्त किया? डब्ल्यू नोटेस्टियन, माल्थस, थॉमसन, डेविस। प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है डब्ल्यू नोटेस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? जातीय भावना, धार्मिक भावना, अल्पसंख्यक की सुरक्षा, आर्थिक विषमता। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है अल्पसंख्यक की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? 9 अगस्त 1917, 9 अगस्त 1939, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1947। राइट आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, कोई नहीं। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता, ऐसा किसने कहा है? फिक्टर, स्मिथ, ग्रीन, टायलर। भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है T.L. स्मिथ ने कहा है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मत व्यक्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायपन का अगणित प्रारूप है? शी फिलो, डी.बी. पोरपुरा, डी.एन. धनागरे, ए.सी. प्रेट। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायपन का अगणित प्रारूप है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है डी.एन. धनागरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें समाजवादी राज्य बाजार के माध्यम से आवंटन के विकल्प के रूप में सार्वजनिक मानव संसाधनों के नियोजित आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं? सामाजिक पूंजीवाद, केंद्रीकृत योजना, कारपोरेटवाद, विकासवाद। वह प्रक्रिया जिसमें समाजवादी राज बाजार के माध्यम से आवंटन के विकल्प के रूप में सार्वजनिक मानव संसाधनों के नियोजित आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, केंद्रीकृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के पारस्परिकता की चर्चा मार्शल सहलिंस ने नहीं की है? सामान्यीकृत, सकारात्मक, संतुलित, नकारात्मक। किस प्रकार की पारस्परिकता की चर्चा मार्शल सहलिंस ने नहीं की है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सकारात्मक। सामान्यीकृत, संतुलित, नकारात्मक, इन सब की बात की है, सकारात्मक की बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह तर्क देता है कि गरीबी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के श्रम के काफ़ी कठोर विभाजन के विकसित होने का प्रत्यक्ष परिणाम है? जिसने अमीरों को पक्ष लिया है, गरीबों को हाशिए पर ढकेल दिया है। विश्व प्रणाली सिद्धांत, उदारवाद, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा?
कौन सा सिद्धांत हमें यह बताता है कि गरीबी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के श्रम के काफी कठोर विभाजन के विकसित होने का प्रत्यक्ष परिणाम है? जिसने अमीरों का पक्ष लिया है, गरीबों को हाशिए पर धकेल दिया। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, विश्व प्रणाली सिद्धांत, और इसकी अवधारणा लेस्ली वालरस्टीन ने दी है, विश्व प्रणाली सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांस्कृतिक निर्धारण व लेस्ली वाइट, संस्कृत के प्रकट तथा अप्रकट तत्व क्लूकहॉर्न, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राइट आंसर बताइए। तो सांस्कृतिक निर्धारण वाली लेस्ली वाइट का है, प्रकट और अप्रकट तत्व क्लूकहॉर्न का है, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर का है। 1 2 3, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। और सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता से संबंधित अन्य कथनों पर विचार करें। सभ्यता संस्कृत की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है, सभ्यता संस्कृत की दिशा को प्रभावित करती है। 1 2 4, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4। संस्कृत और सभ्यता से संबंधित कथन पर राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा, सभ्यता संस्कृत की वाहक है, ये सही है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, ये भी सही है। सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है, ये भी सही है। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? गिलिन ओम गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। सभ्यता संस्कृत का जटिल तथा विकसित रूप है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गिलिन एवं गिलिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। भूमिका स्थिर है। भूमिकाओं के निर्वाह में से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4। राइट आंसर क्या होगा? भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। 1 और 4, ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसकी पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है? किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जेसबर्ग, शमनर। परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, जेसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्लम है एक पितृवंशी संयुक्त परिवार, मातृवंशी संयुक्त परिवार, जनजात, इनमें से कोई नहीं।
इलम है एक। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पितृवंशी संयुक्त परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के विकास के क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? टायलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकाइवर। किसने एक विवाह परिवार को सबसे विकसित माना और परिवार के विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? मैकाइवर एंड पेज, कूले, शिमेल, सोरोकिन। परिवार को समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह किसने माना है? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना? मॉर्गन, बैकोफन, दोनों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मॉर्गन और बैकोफन दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी? एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन, स्पेंसर। संयुक्त परिवार की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सर हेनरी मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है? समन्वयवादी परिवार, ताना परिवार, संस्थागत परिवार, नियंत्रित परिवार। राइट आंसर क्या होगा? वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन है, संस्थागत परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिनकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति के से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? फूको, गिडिंग्स, बर्जे, लकमैन। आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जात बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक अंतर विवाही समूह है जो एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित है, यह परिभाषा किसने दी? श्रीनिवास, घुरिये, मुखर्जी, इरावती कर्वे। एक जाति बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक अंतर विवाही समूह है जो एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित है, ये परिभाषा इरावती कर्वे ने दी है। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? रणजीत गुहा, अम्बेडकर, हार्डी मैन, एससी दुबे। कौन एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से नहीं है? तो रणजीत गुहा है, अंबेडकर है, हार्डी मैन है, ये तीनों हैं, एससी दुबे नहीं है। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समग्र सामाजिक संरचना की धारणा के लिए तर्क दिया? मैलोवस्की, मर्टन, लेविस्ट्रास, ब्राउन। समग्र सामाजिक संरचना की धारणा के लिए तर्क दिया, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, रेड क्लिप, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह मानता है कि शिक्षा अपने संस्थागत रूप में सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने का साधन है, पूर्ण शक्ति नहीं? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्प्ट। कौन मानता है कि शिक्षा अपने संस्थागत रूप में
सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने का साधन है, पूर्ण शक्ति नहीं। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक औपचारिक वास्तविक काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करता है? ग्रेबनर, वार्ड, बेली, हरमन। कौन सा विचारक औपचारिक वास्तविक काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, हरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुष्ठानों को किसी प्रकार के विशेष रूप से गैर तर्कसंगत औपचारिक प्रतीकात्मक विश्वास के रूप में परिभाषित किया जो व्यवहारिक विश्वास से अलग है? इवांस पिचार्ड, बेटिना मेथिस, फ्रायड, फर्डिनियन सॉसर। राइट आंसर बताइए। किसने अनुष्ठानों को किसी प्रकार के विशेष रूप से गैर तर्कसंगत औपचारिक प्रतीकात्मक विश्वास के रूप में परिभाषित किया जो व्यवहारिक विश्वास से अलग है? तो इसमें राइट आंसर है फर्डिनेंड सॉसर, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र शब्द किसने गढ़ा? कांट, अरस्तु, हीगल, बॉमगार्टन। सौंदर्य शास्त्र शब्द, ऑप्शन फोर राइट आंसर है, बॉमगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सभी कला एक अनियोजित अपराध है? अडोर्नो, प्लेटो, हाइडेगर, इमैनुअल कांट। सभी कला एक अनियोजित अपराध है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अडोर्नो। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।